बाबा उधर मत जाओ। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी हूँ हम लोग का मेरा ससुर मेरा नहियार में और मैं अभी हूँ किचन में और मिट्टी का किचन जो कि अभी मैं यहाँ पे कुकर में बनाने वाली हूँ मीट। यहाँ पे मैंने बिठा दिया है भात ना भात पकने के लिए पानी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी मीट। तो प्याज रेडी प्याज मिर्ची सब रेडी हो गया। ये जी यहाँ पे हम लोग का है जॉर्डन और इबू चली गई है राजीव के साथ मिटली धान कुटाने के लिए पिसाने के लिए गाइस। तो मैं और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया चार्जर लेके मैं आई नहीं थी तो मैं वीडियो उतना कैप्चर नहीं कर पाई हूँ जितना हो सके थोड़ा थोड़ा ली हूँ। और यहाँ पे नेट उट कुछ नहीं चल रहा है तो मैं घर जाके सारा करूँगी मैंने अपलोड करूँगी तो गाँव का वीडियो आप लोग घर सिलीगुड़ी में जाके देख पाएंगे। तो आज आज है संडे संडे को हाँ संडे को सबका छुट्टी रहता है गाइस। तो हम लोग संडे को अभी घर में खाना वाना बन के दोपहर को सभी को खाएंगे और क्या बोलते हैं ही है। और यह मिट्टी का किचन तो यहाँ पे देखिए स्टेप से है चूल्हा ये है मटन और हाँ 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 देखने दे। तो ये है गाइस इस टाइप से हम लोग का ये मिट्टी का चूल्हा है जो कि जलाते हैं और पूरा ये छोटा सा बनाए हैं। और इधर है हम लोग का गैस वाला किचन जो कि यहाँ पे है गैस वाला। बाबा इधर आइए जोड़न इधर आओ। तो ये है यहाँ पे गैस बट मैं हम लोग सिलीगुड़ी में ज़्यादातर गैस में ही खाते हैं तो मैं चिकन बनाने वाले मैंने मीट उट बनाने वाले चूल्हा में और चूल्हा का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। और जोर्डन को भी वीडियो में दिखना है तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे साफ सफाई भी चल रहा है गाइस। तो चलिए फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से और बाद में बहुत सारा इधर साफ सफाई करना है तो ये सबको भी दिखाऊंगी। देखिए कितना कैसे हालत हो गया हम लोग का गांव का तो मैं बाद में अच्छे से वीडियो दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ डोरिस ब्लॉग्स में। तो चलिए रुक के मिलती हूँ गाइस आप लोगों से। खाना वाना मेरा बन रहा है मेरा मीट बन गया है और मैं अभी यहाँ पर साग बिठाई हूँ। ये देखिए ये है राई का साग और अभी दाल बनाने वाली हूँ। दाल मैं गैस में बैठा देती हूँ और ये मीट बन गया है भात भी बन गया है। तो अभी ये सबको पूरा साफ़ सफाई करना पड़ेगा गैस क्योंकि बहुत सारा फैला हुआ ही है किचन में। तो राजीव लोग अभी आए नहीं हैं पहुँचते ही होंगे पहुँचने वाले होंगे तो बर्तन उर्तन धो लेती हूँ। सबसे पहले दाल बिठाती हूँ उसके बाद बर्तन उर्तन धोने चलती हूँ गैस। सो गाइस अभी मैं खाना वाना खाने के बाद बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ कुआं पे। और ये कुआं हम लोग का मैंने अकेले का नहीं है ये पब्लिक कुआं है। टी गार्डन वर्कर लोग के लिए हर एक गांव में इस टाइप से कुआं खोदा जाता है और जितना भी आसपास के मैंने लोग रहते हैं तो यूज़ करते हैं इसे। और यहाँ पे ये ड्राम सब देख रहे हैं सभी जने का मैंने सब आदमी लोग का ही है अलग अलग आदमी लोग का फैमिली लोग का है। और यहाँ पे अभी पानी घुस गया बट सुबह शाम खाली आता है पीने वाला पानी तो इसलिए दिन भर तो बहुत सारा काम होती है ना पानी मैंने पानी का ज़रूरत होता है तो इसलिए कुआँ से ही यूज़ होता है। इस तरीके से होता है गाइस गांव का जीवन शैली। और मॉर्निंग का टाइम में आपको यहां पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलता है अगल बगल का सबको ही मॉर्निंग क्योंकि जल्दी 7 बजे तक वो लोग ड्यूटी चले जाते हैं बगन काम जो करते हैं तो सुबह जल्दी से उठ के बर्तन उर्तन और देखे मैंने रास्ता घाट सब चीज़ साफ उफ करके आंगन घर साफ करके वो लोग काम के लिए चले जाते हैं। तो इस टाइप से है यहाँ का मैंने गांव का जीवन शैली। गाइस अभी मैंने बर्तन धोने के बाद हम लोग आंगन में साफ़ सफाई करने के लिए जाएंगे क्योंकि हम लोग का ज़्यादा गंदा तो क्या बोलेंगे लेकिन हाँ हम लोग का खिजूर का पेड़ था आगे तरफ उसको काटा मैंने काट के इसे छोड़ दिए थे मैंने जो मोटा मोटा लकड़ी सब मैंने बीच में हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरा माँ भी नहीं थी दो ढाई महीना तक रांची में थी मेरी बहन के पास गई थी तो इसीलिए एक्चुअली अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ेगा क्योंकि बाबा खाली यहाँ पे रहते थे तो उतना तो नहीं कर पाएंगे वो घर का काम साफ़ सफाई। और यहाँ पे देखिएगा इस गांव घर में स्टेप से खेलते हैं बच्चे लोग। और सच बताओ गाइस यहाँ पे ना इबो इतना मैंने तबीयत ख़राब होके आई थी सर्दी खांसी उसका बट ये धूप में इतना खेली थी मैंने इतना खेलने के बाद ना उसका सर्दी खांसी सब चीज़ छूट गया गांव से आने के बाद ना मैं दवा सब कुछ भी नहीं दी। और ये धूप में हमने जब डॉक्टर दिखाई थी तो उसको मैंने डॉक्टर बोले भी थे ठंडा का सीजन मॉर्निंग में नहलाना स्कूल से आकर इस टाइप से भी और इसको थोड़ा धूप
दिखाना चाहिए बच्चे लोग को, बट हम लोग टाउन में इसी सिचुएशन में रहते हैं, उतना धूप उप नहीं मिलता है घर के अंदर में, तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही है इबू पे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही है। और इसको यहाँ पे गांव आने से ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, माने हर सिचुएशन हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए बच्चे लोग को, मोबाइल फ़ोन टीवी से दूर रह के तो इसे खेलने से ही अच्छा है। फिजिकली मेंटली सब भी तरफ से आपको ग्रोथ होता है, बच्चा लोग इस टाइप से एक दूसरे से मिलते भी है। तो अभी मैंने हम लोग इबो अकेले रहती है ना, तो बहुत कुछ नहीं जानती है मैंने बड़ी हो के भी। गाड़ी बनाई। सो गाइस यहाँ पे देखिए राजीव काफ़ी दिनों के बाद इस टाइप से लकड़ी फटा रहे हैं, और मैंने गांव घर में तो ऐसे करना पड़ता है, गैस रहने से भी मैंने उतना गैस उसमें नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर खाना लकड़ी में ही बनाते हैं। तो इस टाइप से लकड़ी सबको फटा के रख दे रहे, तो मैं इसको मैंने फटा दिए हैं, उसके बाद हम लोग अंदर कर रहे हैं लकड़ी को। और सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे राजीव गाछ के ऊपर में है, और यहाँ पे जो हम लोग का इमली का पेड़ ना बड़ा सा है, तो उसके मैंने इधर उधर डाली सब बड़ा हो गया है ना, तो अंधेरा लगता है, तो उसको काटने के लिए ऊपर चढ़े हैं, साइड साइड का छोटा छोटा को काट देंगे। और यहाँ पे जितना भी है तो बाहर तरफ फेंक रहे हैं, तो उधर भी बहुत सारा मैंने वीडियो की थी मैं सारा चीज़ को, बट यहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद कैसे लग रहा था सारा चीज़ मेरा मैंने वीडियो डिलीट हो गया गाइस। और बहुत कुछ मैं शूट की थी, अंदर खाना वाना खा रहे थे संडे को, मैंने सभी कोई परिवार बहुत ही अच्छा लग रहा था वो नज़ारा सब, मैंने वीडियो कैप्चर की थी तो अच्छा लग रहा था, आप लोग को भी अच्छा लगता दिखते, बट मेरा मैंने दो दो फ़ोन में मैंने वीडियो शूट हो रहा था ना, तो डिलीट हो गया। ये वो भी खेल रही थी, और ये वाला फ़ोन का मैं चार्जर लेके नहीं आई थी, तो वाला फ़ोन में डिलीट ही मार दी वो गेम खेलते खेलते। तो यहाँ पे मेरा दोनों काका का बेटा लोग है, और ये यहाँ पे राजीव काट रहे हैं। गाइस हम लोग का 4 बजने वाला है अभी टाइम, और हम लोग का काम सब चल ही रहा है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई करना भी है इधर, तो देखते हैं गाइस। और हम लोग का बहुत सारा काम बाकी है, मुझको बीच में फिर से आना पड़ेगा एक दिन के लिए, और इधर जितना मिस्त्री सब लगा के जाएंगे काम के लिए। जैसे कि मैं बोली कल का वीडियो ना मेरा डिलीट हो, बहुत सारा वीडियो था जो कि मैं डिलीट हो गया मेरा फ़ोन से, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा होगा 6:15 करीब, और अच्छा धूप निकला है देखिए, तो 6:30 होने वाला है गाइस। और इस टाइप से सबको सभी को यहाँ पे ना साफ़ सुथरा करते हैं अपना रास्ता आंगन सभी कोई गाइस, यहाँ पे 7 बजे तक ड्यूटी चले जाते हैं, बट से भी ना उठ के जल्दी उठ के अपना आंगन घर ऐसे रास्ता को भी साफ़ सुथरा करते हैं, हर एक जन अपना अपना एरिया में यहाँ ऐसे साफ़ करते हैं, बट इधर भी भैया लोग का काम चल रहा है इसलिए इस टाइप से है, बट सभी कोई यहाँ पे अपना एरिया को मैंने रास्ता अपना एरिया पड़ता है वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पे राजीव वीडियो कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे देख सकते होंगे मैं भी अपना हम लोग के आगे वाला पोर्शन को झाड़ू कर रही हूँ, और आंगन जो है उधर भाई झाड़ू कर रहा है, डेली वही लोग झाड़ू करते हैं। और उधर देखिए मेरा पीछे तरफ देखिए सभी कोई अपना साफ़ सफाई कर लिए हैं, झाड़ू वगैरह तो कितना क्लीन लग रहा है गाइस। और हम लोग है बोल के मेरा माँ अभी झाड़ू वगैरह नहीं की, हम ही लोग कर रहे हैं बोल के, और उसको अभी ड्यूटी निकलना है तो निकल भी गई ड्यूटी अभी, और मैं यहाँ पे साफ झाड़ू कर रही हूँ। और कल हम लोग यहाँ पे पेड़ भी काटा था ना, तो काफ़ी सारा यहाँ पे गिराए थे आगे तरफ, तो उसका भी थोड़ा अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और हम लोग गए थे दुकान चिंटू बुंटू सबको लेके, ये थोड़ा बोन रोटी तो दुकान गए थे गाइस, और चाय नाश्ता हुआ नहीं है, रोटी खाने मन नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का खाएंगे अभी बन और चाय, उसके बाद खाना ही खा के निकल जाएंगे। तो खाना बनाना है अभी मुझको जाके, मछली मैंने फ्राई कर लिया है, और अभी तो फिर अभी जाते हैं घर और नाश्ता उस्ता खाते हैं गाइस। मन हो रहे गाइस सिलीगुड़ी के लिए, और आने का टाइम में तो खुशी होती है, बट जब जाते हैं ना यहाँ से तो काफ़ी होता है। और इबू भी यहाँ पे मिठाई खाते जा रही है, तो हम लोग थोड़ा सा उतर लिए हैं यहाँ पे, फ़ोटो वगैरह करके जाएंगे बोल के, तो चलिए फ़ोटो वगैरह करते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। हम लोग का यहाँ का रास्ता काफ़ी अच्छा है, देखिए ये है आईबिल्टी गार्डन, फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया है, और देखिए यहाँ पे काफ़ी फ्रेशनेस और काफ़ी अच्छा
साफ़ सुथरा, दोनों तरफ गार्डन टी गार्डन, और यहाँ पे ये वाला जगह काफ़ी सुंदर लगता है देखने के लिए। तो इसे टर्न है उतरने के लिए, तो हिल्स जैसे लगता है ये वाला रोड हम लोगों को। हिल्स में जाने सही से मिलता है आपको, नज़ारा देखने को मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पे है, हम लोग को मम्मी लोग का घर घुसने से स्टेप से होना, स्टेप से गुजरते हुए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है नज़ारा। अभी हम लोग के माल बाजार पार्क घुस रहे हैं। हाँ बेटा, तो अभी बहुत सालों के बाद मैं घुस रही हूँ माल बाजार पार्क। इबू को थोड़ा सा पार्क घुमा के लेके चलते हैं। तो चलो, हम लोग पार्क इसीलिए घुसे हैं क्योंकि इबू ना उधर से आने से, मैंने निकल गए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, चुपचाप होके गाड़ी में आ रही थी, तो इसको थोड़ा फ्रेश लगेगा, तो हम लोग इसीलिए पार्क घुसे थे सभी कोई। और यहाँ पे मैं काफ़ी सालों के बाद घुस रही हूँ गाइस पार्क और माल बाजार का पार्क, और मैंने कुछ कुछ चीज़ नया नया ऐड किए हैं, जो कि खिलौना सब कुछ कुछ, बाकी बत्तू जैसा था वैसे ही है। घर जाने से मैंने निकलते हैं तो घर और आके, तो इसीलिए हम लोग को भी खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये वो तो बेचारी इतना खिलने मिलने लग गई थी वहाँ पे, तो इसलिए राजीव बोला कि चलो थोड़ा घुस लेते हैं और इबू को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो इतना बट देख रही है, फिर भी उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना गांव में उस खेल रही थी ना बार बार, वो मैंने आदि मामा जॉर्डन वही सबको बोल रही थी, बट क्या करे, जाना तो पड़ेगा, सब दिन नहीं रुक पाएंगे, ऐसे ही आके जाना पड़ेगा हम लोग को। तो अभी हम लोग आ गए हैं सिलीगुड़ी वापस अपना मायके से, और काफ़ी टाइम 1 घंटा हो गया हम लोग आए हैं, और आते आते विशाल वगैरह घुसते आए, शॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत मैंने करते आए, ग्रोसरी सामान सब भी। तो मैं किचन में आ गई हूँ, रही झाड़ू झाड़ू वगैरह सारा कर ली है, और जितना में साफ़ सफाई कल अच्छे से होगा, अभी हल्का फुल्का ही साफ़ सफाई हुआ है गाइस। यहाँ पे मैंने बैठा है गर्म पानी, और यहाँ पे मैंने बैठा दिया दाल, और आलू चोखा बनाऊँगी, और चटनी बनाऊँगी गाइस, और बैंगन का भाजी। तो भात भी मैं कुकर में सीटी डाल दी हूँ, तो मैंने कुकर में सीटी लगा ली हूँ, तो सीटी भी लग गया है गाइस, और काफ़ी ज़्यादा थका लग रहा है, बट अच्छा लगा, बट थका तो लग ही जाता है ना, कहीं से जर्नी से आते आते तो थकावट लगता है। बट ना एक चीज़ में मैंने हमेशा नोटिस की हूँ, इधर से जाते वक्त ना हम लोग दूर जाते हैं तो मैंने जाते जाते फ्रेशनेस आ जाता है, और उधर से जैसे सिलीगुड़ी घुसते ना पोल्यूशन इतना मैंने सिर दुखने लगता है गाइस। और उस दिन मैं यहाँ से जाने के बाद इतना खाना उना बना के सारा खाना उना भी खिला दी, फिर भी थकावट नहीं लगा था घर में, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थकावट भी लग रहा है घर में घुसने के बाद। बट एनीवे अब चोखा उखा ही बना के खा के, रोटी वोटी में बनाने का हिम्मत नहीं है गाइस, भात ही बना लिया मैं आज, भात ही खाऊंगी, तो क्योंकि दिन को घर से आने से पहले ना खाने मन भी नहीं कर रहा था, तो खाना उना अच्छे से नहीं खाए थे, सोचे थे हम लोग बिरयानी सब मंगा लेंगे, बट इबुल खाने नहीं खोजती बिरयानी, उसको प्लेन खाना चाहिए, तो हम लोग एक जन खाएगा, बच्ची नहीं खाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग घर में बना रहे हैं दाल आलू चोखा, और अंडा बॉईल कर लेंगे, और बैंगन का भाजी और चटनी। तो चलिए रुक के मिलते हैं गाइस आप लोगों से। इस यहाँ पे मैं टमाटर फुड़ा रही हूँ चटनी के लिए, और साथ साथ मेरा अंडा भी बॉईल हो रहा है, इधर मैं 4 अंडा कर ली हूँ, क्योंकि कभी कभी ना इबू खाने खोजती है तो मैं उसको रानी निकल के दे देती हूँ 2, और हालांकि आज इतना नहीं खाएगी होगी, बट से भी मैं कर ली हूँ। दाल यहाँ पे बन गया है, और ये है मेरा खाना रेडी, तो हम लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं, और ये है घर का चावल, मैंने खेती वाला चावल गाइस। चलिए फिर गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, जो लोग भी मेरे चैनल में नया जुड़े हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।